नमस्कार, विश्वविद्यालय की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों के साथ मैं हूं सत्यभूषण सिंह। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के चेयरमैन अनंत कुमार सोनी जी के साथ शेरगन स्कूल में एक पोषण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सभी ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। इस अवसर के दृश्य ज्ञान का मंदिर यहाँ उपलब्ध। मैं जिस गाँव का रहने वाला हूँ आपको बता रहा हूँ, वो गाँव हमारे गांव का नाम है बठिया। और बठिया जो है प्रिंट सीमेंट, जो प्रिंट की फैक्ट्री लगी उसका पोस्ट ऑफिस बठिया। तो मतलब जो है प्रिंट का जो जो बैग होता है, जो उसका सीमेंट का जो बैग फुल पैक करते हैं उसमें लिखा रहता है विलेज बठिया। वैसे ही जब हम लोग विश्वविद्यालय की कॉरेस्पोंडेंस विश्वविद्यालय से करते हैं, चाहे हम राज्य शासन को लिख रहे हो, चाहे दिल्ली को लिख रहे हो, कहीं भी हम पत्र लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं शेरगंज, एकेएस विश्वविद्यालय शेरगंज। एकेएस विश्वविद्यालय के एनएसएस विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, इस विषय पर जानकारी दी डॉक्टर महेंद्र कुमार तिवारी ने। वर्षों के बाद इस बार भी एनएसएस का स्थापना दिवस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जो कि 24 सितंबर 2015 को किया जाएगा। उसमें कि विश्वविद्यालय में नामांकित और एनरोल जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनको एक विस्तृत प्रोग्राम के द्वारा कि एनएसएस क्या है, एनएसएस का उद्देश्य क्या है और एनएसएस का लाभ क्या है, इस पर पूरे हमारे जो विश्वविद्यालय का पैकेज है वो बच्चों को प्रकाश डालेगी। और एनएसएस करने से छात्रों को क्या लाभ मिलेगा और हमें हमारे क्या दैनिक गतिविधियाँ होती हैं, हमारे क्या विशेष टाइम लगते हैं, इन सब के बारे में विशेष रूप से हम बच्चों को जागरूक करेंगे। सभागार C11 में फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इस फ्रेशर्स पार्टी में B.Tech AG के छात्र अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाएंगे। विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजे तरीन खबरों से करेंगे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।